ना कहीं आपके साथ भी उन लोगों ने कुछ एक साजिश की थी, आपको भी उसमें कहीं ना कहीं बहकाने की कोशिश की थी कि हाँ सुम्बुल के बारे में भी आपने भी ये बात की जिक्र की है एक बार टीना से। क्या कहना चाहेंगे, जब अगर गेम खेला चाहते हैं तो इंडिविजुअल अपना गेम खेलना चाहिए या ये सब मुद्दों को लाना ज़रूरी है बिग बॉस के घर में, क्योंकि ये तो एवरी सीजन का अब हो गया है कि एक लव एंगल बनाना। डू यू थिंक सो इट इट इज इज सो? एक्चुअली बिग बॉस इज ऑल्सो एक्चुअली बिकम लाइक यू नो अ फिल्म टू बी ऑनेस्ट, जिसमें एक हीरो है, एक हीरोइन है, एक विलन बन जाता है। जितना मैंने इस सीजन में नोटिस किया है, इस सीजन की बात करी मैं पर्टिकुलर, पर मेरी नज़र में ये सही नहीं है। मैं सच्ची बोलूँ तो कि आप मतलब ये क्या, अगर आप फेक लव एंगल खेल रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। मेरी नज़र में सब ये सही नहीं है। मेरी नज़र में आपको गेम भी खेलने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर अपने दिल से चलोगे। क्योंकि एक बार मुझे याद है कि रुबीना जी ने भी बोला था कि जो भी करो ना, बस सच्चे दिल से करो और कुछ भी नहीं। तो आप बस दिल से साफ रहो, आप सच्चे दिल से कोई भी चीज़ करोगे वो कहीं से कहीं तो गलत नहीं होगी। तो दिल से चलना चाहिए, दिमाग से पूरी दुनिया चल रही है। अभी भी आपके निकलने के बाद भी कुछ कुछ बातें चलती कि मंडली एक तरफ है और अपने मंडली में किसी को लेना नहीं चाहती है। शालिन भी अभी कह रहे हैं, हमने कल परसों के भी एपिसोड में देखा है कि कहाँ वो शिव से लड़ रहे हैं कि मंडली बना लिया है तो ऐसे लेना नहीं पसंद कर रहे हैं, कि मैं तुमसे सिर्फ बात करने गया था लेकिन ये तो कुछ और ही समझ रहे हैं। एक्चुअली मंडली इज नॉट अ कंपनी जैसा बना के रखा है कि मंडली लोगों को हायर करती है वहाँ पे काम करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। मंडली जेन्युइन फ्रेंडशिप है, जो एक शब्द दे दिया गया मंडली, और उसके अलावा वो एक जेन्युइन फ्रेंडशिप थी जो लोग आपस में जो कनेक्ट कर पाए, शायद किसी एक इंसान से कनेक्ट कर पाए, पर धीरे धीरे करके हर एक इंसान से कनेक्ट करने लगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मंडली में वो लोग हैं जो काफ़ी सेल्फलेस हैं, चाहे वो साजिद सर हो, चाहे वो अब्दू हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो स्टैन हो, चाहे वो निमृत हो, या फिर मैं हूँ। तो कहीं ना कहीं वो जो जेन्युइन दोस्ती होती है कि आप दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हो, वो मंडली है। तो मंडली इज नॉट लाइक कि कोई भी आए, दो चार दिन अच्छे से बात हो तो उसको एकदम दोस्त बना लिया। नहीं, जब तक आप किसी इंसान से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आप मतलब दोस्त नहीं मान सकते ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है वो। अगर सुम्बुल आपसे अगर पूछा जाए कि बिग बॉस के घर में दिस सीजन हु वाज द एंटरटेनमेंट पर्सन, अरे यार, सब अपने आप में बहुत एंटरटेनिंग है, सच्ची बोलूँ तो। मतलब अर्चना बहुत एंटरटेनिंग है और शालीन भी है कहीं ना कहीं, बहुत उन्होंने भी एंटरटेन किया होगा। क्योंकि हमने जो एक न्यू ईयर पे वो एक यू नो न्यू एक वीडियो देखा था, तो यू नो ही इज अ फनी गाय आई थिंक, तो लोगों ने पसंद किया होगा। एंटरटेनिंग वो भी है, उसके साथ साथ स्टैन बहुत एंटरटेनिंग है, शिव भी बहुत एंटरटेनिंग है, सारे सर बहुत एंटरटेनिंग थे। तो अच्छा, कौन है जो एंटरटेनिंग नहीं है? सब एंटरटेनिंग है कहीं ना कहीं। तो हु वॉज दी लाइक जसवी से जोड़ी बोलते हैं ना, जोड़ी बनती है हर बार बिग बॉस के घर में, हम देखते हैं कब किसी ना किसी की जोड़ी बनती है। जैसे हमने पहले देखा था सिडनाज जो बहुत ट्रेंड कर गए थे, ऐसे इस सीजन अगर आपको अगर कोई लगा हो। आई थिंक स्टैन और शिव सबसे, माशाल्लाह सबसे प्यारी जोड़ी रही है वो। बिकॉज जब साजिद सर चले भी गए, हम लोग भी थे, इनफैक्ट मैं अभी के भी एपिसोड देखूँ, उनको जो दोस्ती का अवार्ड दिया गया है एंड एवरीथिंग, सो आई थिंक कि वो एक जोड़ी है, वो सबसे माशाल्लाह सबसे कमाल की जोड़ी है, वो एक जोड़ी और एक साजिद एंड अब्दू सजदू।